अब बात हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में किस तरह से तैयारियां आपने देखा, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पहला गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है। ये गठबंधन है मायावती की पार्टी बीएसपी और अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनलो। इनके बीच गठबंधन हो चुका है और विधानसभा चुनाव को लेकर बने इस गठबंधन ने सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत की और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ गया है। दरअसल हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से इनलो यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन का ऐलान करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता की इच्छा के अनुसार किया गया है। अभय ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने देश को लूटा है। वही लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ है कि हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा, कांग्रेस मजबूत हुई है, जबकि जेजेपी जननायक जनता पार्टी जो कि अभय चौटाला के भाई अजय चौटाला की पार्टी है और इनेलो और बीएसपी जैसी पार्टियों के वोट शेयर पूरी तरह से सिमट गए हैं। जो भी रीजनल पार्टीज थी उनको काफ़ी नुकसान यहाँ झेलना पड़ा है। इस बार के लोकसभा चुनाव इन दोनों दलों का वोट शेयर कितना था यानी इनेलो और बीएसपी का वोट शेयर क्या था, ये भी समझते हैं। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में उसे महज 1.74% वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी को भी 1.28% वोट ही हासिल हुआ था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों दलों का वोट शेयर पूरी तरह लगभग खत्म होता सा नजर आया। और अब ऐसे में आगे होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ने गठबंधन का फैसला किया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला ले रही हैं। इससे पहले भी दोनों का दो बार अलायंस हो चुका है। 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के बीच पहली बार अलायंस हुआ था, गठबंधन हुआ था। हालांकि उस वक्त इनेलो का जो नाम है वो हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय हुआ करता था। तब INLD ने 7 और बीएसपी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से एक सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी और INLD 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी जिता पाई थी। दोनों दलों के बीच दूसरी बार गठबंधन साल 2018 में हुआ, लेकिन गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले टूट गया था। अब इस ताज़ा गठबंधन पर कांग्रेस की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं। मैं बता चुका हूँ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, वोट काटो कोई जगह नहीं, लोग समझ चुके हैं।